जियो सिनेमा पे हॉलीवुड की 5 ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सच में बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एटलीस्ट एक बार इन 5 मूवीज को जरूर से जाके देखना, मजा ना देखने में तो फिर मुझे बोलना। तो अभी मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट नंबर मूवी की और, तो वो है ब्लेड रनर 2049। इस मूवी को 2017 में रिलीज करा गया था जिसे कि IMDb की तरफ से 7 की रेटिंग्स मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी की स्टोरी दिखाई गई है 2049 की, जहां की फ्यूचर में काफी सारी चीजें एडवांस हो चुकी है एंड पैसा और पावर भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। और वहीं एक के नाम का पुलिस ऑफिसर होता है जिसको कि एक मिशन पे भेजा जाता है जो कि कुछ रेवेलियन ग्रुप होते हैं उसको खत्म करने का मिशन होता है, और वो जो ग्रुप उसके पास पैसा भी और पावर भी है तो उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मूवी में देखना यही होगा कि क्या वो के नाम का जो पुलिस ऑफिसर है वो उस ग्रुप को खत्म कर पाता है या फिर नहीं, आगे क्या होता है। अगर स्टोरी आप लोग को नॉर्मल लग रही है तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। इस मूवी को आप लोग एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना। बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड नंबर मूवी की ओर, तो वो है एलिजियम। इस मूवी को 2013 में रिलीज करा गया था जिसे कि IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग्स मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी में फ्यूचर की स्टोरी दिखाई गई है, जहां के कुछ बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर पृथ्वी के बाहर एक ऐसा स्पेस स्टेशन बना दिया गया है जहां की आप लोग इजिली रह सकते हो। अब पृथ्वी के काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो जाने के कारण जितने भी अमीर लोग हैं वे लोग सभी स्पेस स्टेशन में शिफ्ट हो चुके हैं, जिसे कि एलिजियम कहा जाता है। अब इन्हीं सब में एक नाम का बंदा होता है जो कि एक बहुत बड़ा इलीगल काम कर रहा होता है पृथ्वी और एलिजियम के बीच में। अब ये आखिरकार किस तरह का इलीगल काम हो रहा है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखना होगा। ये मूवी आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाली है, तो एक बार इस मूवी को जरूर से जाके चेकआउट करना। बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर मूवी की ओर, तो वो है गोथिका। इस मूवी को 2003 में रिलीज करा गया था जिसे कि IMDb की तरफ से 5.8 रेटिंग्स मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी में एक साइकियाट्रिस्ट होती है जो कि अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर रही होती है, लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठती है तो वो खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में पाती है, पागलखाने में पाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे वो अचानक से पागलखाने में पहुंच चुकी है, बट तभी उसे पता चलता है कि उसने एक मर्डर किया है जिस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। लेकिन उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा होता, ये सब सभी चीजें झूठ लग रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो भाई मूवी में यही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मूवी सच में आप लोग काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, मतलब आपका दिमाग घुमा के रख देगी। तो इस मूवी को एक बार जरूर से एक्सपीरियंस करना, जाके देखना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना, काफी बेहतर मूवी रहने वाली है, तो एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। बात करते हैं हम अपने फोर्थ नंबर मूवी के बारे में, तो वो है आफ्टर अर्थ। इस मूवी को 2013 में रिलीज करा गया था जिसे कि IMDb की तरफ से 4.8 की रेटिंग्स मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी में फ्यूचर की स्टोरी दिखाई गई है, जहां की इंसानों ने अपने लिए एक नया ग्रह ढूंढ लिया है और पूरी जो मानव जाति है वो उस ग्रह पे जाके शिफ्ट हो चुकी है। बट करीबन 1000 साल बाद दो लोग वापस आते हैं अर्थ पे और देखते हैं वहां का सिचुएशन, लेकिन अचानक से कुछ रीजन से वो दोनों उसी अर्थ पे फंस जाते हैं और अपने ग्रह पे वापस नहीं जा पाते। तो मूवी में देखना यही होगा कि क्या वो दोनों अपने ग्रह पे वापस जा पाते हैं या फिर नहीं, आगे क्या होने वाला है। मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। अगर इस मूवी को आप लोग देखना स्टार्ट करते हो तो ये मूवी आप लोग को लास्ट तक ग्रैब करके रखेगी, कुछ इतनी ज्यादा सस्पेंसफुल मूवी रहने वाली है। तो इस मूवी को एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। बढ़ते हम लोग अपने लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मतलब फिफ्थ नंबर मूवी की ओर, तो वो है U571। इस मूवी को 2000 में रिलीज करा गया था जिसे कि IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी की कहानी दिखाई गई है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जहां की अमेरिकन सोल्जर्स एक मिशन पे निकलते हैं और वो जो मिशन ये होता है कि जर्मन सोल्जर्स के सबमरीन पे चढ़ के कुछ टॉप सीक्रेट को चुराना होता है। तो इस मूवी में यही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। देखना इस मूवी में ये होगा कि क्या अमेरिकन सोल्जर्स उस टॉप सीक्रेट को चुरा पाते या फिर नहीं चुरा पाते हैं, आखिरकार वो किस तरीके का टॉप सीक्रेट है, आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को जानने के लिए इस मूवी को देखना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये 5 मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। ये 5 मूवी आप लोगों को जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी, तो एटलीस्ट एक बार इन 5 मूवीज को जरूर से जाके देखना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।